हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? जैसा कि हम सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी में हर शिफ्ट में अभी तक हमने जितना भी एनालाइज कराया उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो बहुत ही अच्छा है कि चलो हमें इतना तो पता लगा जो आगे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। अगर हर एक शिफ्ट में मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे लिए आसानी हो गई है कि हम सिर्फ मुख्यमंत्रियों के नाम याद करने से भी हमारा कहीं ना कहीं एक या दो नंबर पक्के हैं। तो हम याद कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े से नाम हैं बस। ठीक है, पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमें पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसके बाद सेकंड हैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल। तीसरे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं। चौथे असम के हैं हमारे सर्बनंदा सोनोवाल। असम के कौन हैं? सर्बनंदा सोनोवाल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़ के हैं रमन सिंह। और छत्तीसगढ़ के बाद नेक्स्ट है बिहार के हमारे नीतीश कुमार। सिंपल दो, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं कुछ बताऊं उनके बारे में, आप बस शकल से और थोड़ा सा शकल इसलिए लगा रखिए, इसको देखकर नाम पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा थोड़ा, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चेहरे हमने टीवी पर बहुत बार देखे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिहार से रिलेटेड कोई केस है तो ये चेहरों को देख कर हम ये चीज़ें जल्दी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हैं प्रेमा खांडू। उसके बाद गोवा के हैं मनोहर पारिकर। इनको तो वैसे बहुत बार आपने नाम सुना ही होगा बहुत बार, तो गोवा के कौन है? मनोहर पारिकर, ये बहुत आसानी से याद रहेगा आपको। उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, ये भी याद करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, ये भी हम सबको याद ही रहेगा कि भाई पश्चिम बंगाल के कौन है? ममता बनर्जी। इनको तो आपने सब बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद हमारा उत्तराखंड के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उत्तराखंड के बाद है सिक्किम के हैं पवन कुमार चामलिंग। उसके बाद हमारे तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के बाद हमारे तमिलनाडु के हैं के पलानी स्वामी। त्रिपुरा के, ये तो क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है एक में, ठीक है, कि त्रिपुरा के कौन है? विप्लव कुमार देव। और पंजाब के अमरिंदर सिंह। राजस्थान की हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया, इनकी भी आज ये बहुत उसमें रही है सुर्खियों में कुछ दिन पहले, और वैसे भी ये पॉपुलर हैं थोड़ी, तो इनका नाम भी आप सबको याद ही होगा, वसुंधरा राजे सिंधिया। उसके बाद उड़ीसा के नवीन पटनायक जी हैं हमारे, और पुद्दुचेरी के हमारे वी नारायण स्वामी। और मेघालय के हमारे कानराड संगमा, और नागालैंड के नेफ्यू रियो। और मणिपुर के एन बिरेन सिंह। और इधर के जो ये भी सेवन सिस्टर्स होते हैं मणिपुर, इधर मेघालय वगैरह, इनके आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि वो यहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है थोड़ा सा। वैसे तो पूछ तो सब में से रहा है, बट इस तरफ से फिर भी आप याद कर लेना। मिजोरम के हमारे लाल थनावाल। केरल के हैं पिनाराई विजयन। कर्नाटक के HD कुमारा स्वामी। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, फडणवीस। और मध्य प्रदेश के हमारे शिवराज सिंह चौहान, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनका नाम तो आप सबको याद रहना ही चाहिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। और झारखंड के रघुवर दास। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, ये भी बहुत ज़्यादा नाम फेम में बहुत ज़्यादा रहा है सुर्खियों में, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। और 29 का हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर हमारे, और गुजरात के हमारे विजय रूपाणी। और जम्मू और कश्मीर में अभी हाल फिलहाल में गवर्नर रूल चल रहा है, पहले कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं, जैसे भी हमें और जैसे शिफ्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबका एनालाइज करके हम आपको अच्छे से अच्छे सारा डाटा प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ।
और आप इसी वीडियो को, अगली वीडियो को हमारी टाइम टू टाइम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।